दोस्तों जब भी हम पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बिल पेमेंट करना, तो यार वहां पर हमें ना पेटीएम की तरफ से पेटीएम कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जो आपको कैशबैक पॉइंट मिलता है पेटीएम पर, उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है कैश में। जी हाँ गाइज, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है, और सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ आपका प्रोफाइल नजर आएगा। आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप नीचे आएंगे, और यहां पर एक ऑप्शन है कैशबैक एंड ऑफर्स। बस आपको कैशबैक एंड ऑफर्स के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहां पर जो है 2,92,000 मेरे पास यहाँ पर कैशबैक पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। और अब मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर आपके पास भी पॉइंट है तो इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, आपको बस कैशबैक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलकर आ जाएगा। और यार गाइज, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। अब गाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे अलग अलग कंपनी ब्रांड है यहाँ पर, जिनके थ्रू आप अपना जो है कूपन कोड ले सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप वाउचर कोड को बाई कर सकते हैं इन कैशबैक पॉइंट के थ्रू, और आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन गाइस, हम पहले समझेंगे कि कैसे हमें इसको कैश में कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं कि यहां पर जो ये कैशबैक पॉइंट है ना, इसको हमें पेटीएम बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा पेटीएम बैलेंस में ये कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पर आप देख पाएंगे एक ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट्स टू पेटीएम बैलेंस, आपको यहां पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे अगर आप 1000 पॉइंट का यूज करते हैं तो आपको 10 रुपए का बैलेंस मिलता है। अगर आप 50 रुपए का बैलेंस चाहते हैं तो आपके पास 5000 कैशबैक पॉइंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर हमें 250 रुपए का एक कूपन परचेज करना है, यानी कि पेटीएम बैलेंस में हमें अपना 250 रुपए बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कम से कम 25,000 कैशबैक पॉइंट होने चाहिए। तो चलिए, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है आप देख लेंगे, और नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अवेल फॉर 25,000 पॉइंट्स। तो हम यहां पर नीचे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से यहां पर कंफर्मेशन पूछेगा, तो आपको बस कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आप गाइस देख पाएंगे हमारा 250 रुपए पेटीएम बैलेंस में ऐड हो चुका है। अब आप इजीली पेटीएम बैलेंस का यूज करके आसानी से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा तरीका कि कैसे आपको पेटीएम कैशबैक पॉइंट को कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों आपको दोबारा से कैशबैक एंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप यहां पर जो है कैशबैक पॉइंट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अब यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के यहां पर ऑफर देखने को मिल जाते हैं। आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ई गिफ्ट कार्ड है, जो कि अलग अलग कंपनी के थ्रू आप यहां पर ई गिफ्ट कार्ड को परचेस कर सकते हैं अपने जो आपका कैशबैक पॉइंट है उसके थ्रू। जैसे यहां पर फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, उबर है, और यहां पर मिंत्रा है, और भी कंपनीज है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से जितने आपके पास बैलेंस है यहां पर आप यूज कर पाएंगे। जैसे मैं यहां पर व्यू ऑल पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर आप देख पाएंगे सारे के सारे जितने भी वाउचर्स हैं यहां पर मुझे दिख जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान के चलिए यहां पर एक फ्लिपकार्ट का वाउचर है 250 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं, यानी कि 250 रुपए में, लेकिन उसके लिए मुझे यहां पर जो है 25,000 मेरे पास कैशबैक पॉइंट होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। अब दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पर मुझे 250 रुपए का एक ई गिफ्ट कार्ड फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल चुका है, और यहां पर जो ये कोड है इसके साथ मुझे एक पिन भी मिला है। चलिए मैं यहां पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूं, और अब हमें फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। चलिए मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आपको यहां पर 3 लाइन नजर आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप क्लिक करेंगे यहां पर माय अकाउंट के ऊपर। माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर जो है माय कार्ड्स एंड वॉलेट का एक ऑप्शन है, उसके नीचे आपको यहां पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आप देख पाएंगे मेरा यहां पर बैलेंस है 156 रुपीज। अब आपको यहां पर एड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जो भी आपका गिफ्ट कार्ड नंबर हमने कॉपी किया था आप यहां पर उसको पेस्ट कर लेंगे, और जो भी आपका पिन है उसको
उसको भी आप कॉपी करके यहां पर एंटर कर लेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर लेंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि 250 रुपीज का जो बैलेंस है वो मेरे यहां पर फ्लिपकार्ट अकाउंट पर एड हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने पेटीएम कैशबैक पॉइंट का इजिली यूज कर पाएंगे।